वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विथ आशा खरे। आज हम होममेड योगर्ट बनाएंगे। एक माइक्रोवेव प्रूफ कंटेनर लेंगे, इसमें 1.5 लीटर मिल्क डालेंगे और इसको 14 मिनट्स कवर करके गर्म करेंगे और फिर कवर हटा के 4 मिनट्स और गर्म करेंगे। फिर हम इसको ठंडा करेंगे। जब हाथ में डाल करके एक चम्मच की सहायता से देखेंगे कि ये ल्यूक वार्म हो गया, तो अब ये दही जमाने के लिए तैयार है। अब फर्स्ट टाइम जब हमको योगर्ट बनाने के लिए स्टार्टर लेना है तो प्लेन योगर्ट खरीद सकते हैं शॉप से। 250 ml योगर्ट डाला, उसमें 1 कप दूध डालेंगे और इस दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब बहुत अच्छी तरह से ये 1 कप दूध और योगर्ट मिक्स हो गया तो इसको हम पूरे दूध के साथ डाल करके बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 कप की सहायता से इसको बहुत अच्छी तरह मिलाएंगे ताकि बबल्स आ जाएं। बबल्स अच्छे लगते हैं दही में। और जब बहुत अच्छी तरह मिल गया योगर्ट मिल्क के साथ, तो इसको हम कवर कर देंगे और अपने ओवन को हम ब्रॉयल पर ऑन करेंगे। और जैसे ही फिलामेंट लाल हुआ, हम ओवन को बंद कर देंगे और ये जो हमने योगर्ट को मिक्स किया है मिल्क में, इसको हमें ओवन के अंदर रखना है। पर हमेशा ग्लव्स पहन कर रखिएगा, नहीं तो जलने का चांसेस हैं। और इसको कवर कर दीजिएगा और धीरे से ट्रे को अंदर खसका दीजिएगा। अब ओवन को क्लोज कर दीजिएगा। 8-10 घंटे के बाद खोल के देखिए, योगर्ट जम गया। हाँ, योगर्ट बहुत अच्छा जम गया। पर अगर कभी योगर्ट ठीक ना जमे तो उसको आप 2 घंटे के लिए और छोड़ दीजिए तो वो जम जाएगा। और इसके बाद इसको फ्रिज में रख दीजिएगा और खाइएगा।